दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और डिग्री छात्रों के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर आज की तारीख में आई है। काफ़ी समय से एक अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे थे सभी छात्र एवं छात्राएं। उनके लिए अभी अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आई है जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये खबर किसके द्वारा आई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने ऑफिशियल वेबसाइट है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक ऑफिशियल की तरफ ले जाना चाहूँगा। सबसे नीचे ये देखिए, श्री मनोज कुमार निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से ये अपडेट आई है। अब मैं दिखाता हूँ कि अपडेट क्या है। देखिए, आज 29 जून है और 7:34 पर यह आर्टिकल पब्लिश किया गया है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है और अब दिखाता हूँ आपको कि इस आर्टिकल में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूपी पॉलिटेक्निक में इस बार प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इसमें 50% आंतरिक मूल्यांकन और 50% सेमिस्टर परीक्षाओं के आधार पर अंक मिलेंगे। इंटरनल और सेमेस्टर में जो आपने पिछली बार स्कोर किया है उनके 50%, तो आप देख सकते हैं 50% कॉलेज के हाथ में होंगे और 50% आपने जो लास्ट ईयर जो भी स्कोरिंग की है उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन से कम नंबर पाने वाले छात्र आपत्ति का दावा कर सकेंगे, लेकिन ऐसे छात्रों को परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। ये बात कन्फर्म करी गई है कि आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज करने के बाद आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि अब आपको परीक्षा देनी होगी। वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा करने का निर्णय अभी फिलहाल टाल दिया गया है। और ये जो टाला गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव डिसीजन ही आएगा। इसमें परेशान होने की आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आगे जाकर के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ये मैं आपको आगे के जो आर्टिकल में लिखा है उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी। इवन सेमेस्टर की कोई परीक्षाएं पॉलिटेक्निक की नहीं हो रही है। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार के मुताबिक डिग्रीधारी संस्थानों में भी अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा। ये डायरेक्टर के द्वारा कहा जा रहा है, मनोज कुमार जी के द्वारा, कि डिग्री कॉलेज के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको भी प्रमोट करने की तैयारी है। इस चलते डिप्लोमाधारी संस्थानों में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, लेकिन फिलहाल वो निर्णय टाल दिया गया है। ये बात भी आपको समझनी है। 2 से 3 दिनों में इस मुद्दे पर फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल निर्णय आ जाएगा। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि यदि परीक्षाएं होती भी हैं तो भी उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी कम है दोस्तों, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर कि ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। बस एक यहाँ पर छोटी सी एक सभी बच्चों के मन में अभी भी डाउट है, और वो होना भी चाहिए कि ऑफिशियली इस खबर की पुष्टि कब होगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रमोशन से रिलेटेड नोटिस कब जारी किया जाएगा। खबरें हम सभी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े बयान हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर कब नज़र आएगा इनका सर, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बड़ी बात कही गई है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ऐसा कोई अपडेट आ जाएगा। और जैसे ही ऐसा कोई अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होता है दोस्तों, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी, और हम तो उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक ही शायद कोई बड़ी खबर देखने को मिले। धन्यवाद।